नहरों में पानी नहीं आया। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में तीन राज्यों से सोन नदी होकर गुजरती है और सोन नदी के जल पर सबसे पहला हक बिहार के 8 जिलों का, मध्य बिहार के 8 जिलों के किसानों का था सिंचाई के लिए। लेकिन हमारा हक जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रोक लिया जा रहा है, पानी आने ही नहीं दिया जा रहा है। कटवन में जलाशय बना करके मध्य प्रदेश की सरकार ने सोन नदी को बांध दिया। उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में विद्युत ताप घर बना करके पानी रोक लिया गया और यहाँ बिहार के किसान, भोजपुर के किसान मर रहे हैं। उनका फसल रेडियाने को है लेकिन झुलस रहा है। सरकार रोज दिन जो है अडानी अंबानी को इन लोगों ने मौका दिया है कि रोज दिन डीजल का दाम बढ़ाओ। डीजल जो है 85-86 रुपए लीटर बिक रहा है। किसान समझिए कि अपना खून जला रहे हैं, बोरिंग में खून जला करके किसी तरह से पौधे को खिला करके रखे हैं। इसलिए हम लोग नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि पूरे बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। ये सरकार जो केंद्र और राज्य की सरकार, जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये बिहार के किसानों को खेती से भगाना चाहते हैं, तीनों जगहों पर इनकी सरकार है। बैठ करके कोई हल निकालो। अभी हम लोगों ने सुना गुजरात से बिहारी और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को मार करके भगाया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी किस मुंह से यहाँ बिहार में वोट मांगने आएंगे? अमित शाह किस मुंह से वोट मांगने के लिए आए हैं कि तुम्हारे गुजरात में अगर बिहार का हमारा बंदा, बिहार का उत्तर प्रदेश का हमारा मजदूर सुरक्षित नहीं है तो तुमको भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जो भी तुम्हारी नीति का विरोध करेगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो गद्दार हो जाएगा। ये भाजपा वाले, संघ परिवार वाले बड़े देशभक्त बने हैं। ये बोल रहे हैं अमित शाह कि 2019 क्या 50 साल शासन करेंगे, भाजपा शासन करेगी। आने दीजिए 2019 का चुनाव, अमित शाह को 50 सूते मारेगी देश की करोड़ों जनता। हाफ गंजा है, फुल गंजा करके उनको छोड़ा जाएगा।